हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो बच्चों, आज हम आपके लिए एक और नया ऐसे लेकर आए हैं। छोटा सा बच्चों, तो आज का ऐसे है पिकॉक पर। पिकॉक मोर होती है, जो कि हमारी नेशनल बर्ड भी है। तो बच्चों, आप ये एक पिक देख सकते हैं पिकॉक की। सो ये हमारी पिकॉक होती है, हमारी नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया भी है। एंड इसको बहुत लोग पसंद करते हैं क्योंकि बहुत सुंदर होती है। सो ये पिकॉक आप लोग देख सकते हैं। आज हम इस पे 10 लाइंस का एक छोटा सा जो है ऐसे करेंगे। सो बच्चों, हम लोग ऐसे को पढ़ेंगे एंड उसका मीनिंग भी समझेंगे। सो आइए इस ऐसे को स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे बच्चों। सो ये ऐसे आप लोग देख सकते हैं। ऐसे की पहली लाइन, पिकॉक इज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। पिकॉक इज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। तो आप लोग कुछ स्पेलिंग्स को भी समझेंगे, जैसे कि पिकॉक की, तो PECOCK, पिकॉक इज अ वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग समझेंगे आप लोग, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल बर्ड। पिकॉक एक बहुत सुंदर बर्ड होती है बच्चों। आप लोग पहली लाइन लिखेंगे, वो सच में ही बहुत सुंदर होती है। सेकेंड लाइन लिखेंगे, इट्स नेक इज लॉन्ग। तो यहाँ पे आसान वर्ड्स हैं आप लोगों की। सेकेंड लाइन का मतलब है इसकी जो गर्दन होती है ये बहुत लंबी होती है। देख सकते हैं आप लोग, लंबी होती है इसकी गर्दन। थर्ड लाइन लिखेंगे प्यारे बच्चों, इट्स आईज आर स्मॉल। इसकी आंखें बहुत छोटी होती हैं। सो आप लोग देख सकते हैं इसकी छोटी छोटी आंखें होती हैं। आप लोग अगर जू वगैरह गए होंगे तो आपने वहां पे देखा भी होगा। तो इसकी थर्ड लाइन हो जाएगी, इट्स आई आर स्मॉल। फोर्थ लाइन, इट हैज अ अट्रैक्टिव क्राउन ऑन हिज हेड। फोर्थ लाइन का मतलब है कि इसका जो क्राउन होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, गोल्डन क्राउन होता है इसका। अट्रैक्टिव की स्पेलिंग आप लोग बच्चों याद करेंगे, AETRACTIVE, एंड क्राउन की CROWN। तो आप इसके सर पे क्राउन देख सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, गोल्डन कलर का। अब हम सीखेंगे फिफ्थ लाइन। फिफ्थ लाइन है, पिकॉक डांसेज इन द रेन। पिकॉक जो है ये नाचती है बारिश में। तो आप लोगों ने देखा होगा पिकॉक को बहुत पसंद है नाचना बारिश में। सिक्स्थ लाइन लिखेंगे, पिकॉक लव्स क्लाउड सो मच। पिकॉक जो है उसे क्लाउड्स भी बहुत पसंद है, उसे क्लाउड्स बहुत पसंद है, उसे रेन भी बहुत पसंद है बच्चों। सो सेवंथ लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, सेवंथ लाइन हम लिखेंगे, पिकॉक इज अ मेल बर्ड। जो पिकॉक है हमारी, ये मेल बर्ड है। मेल मतलब लड़का है, तो पिकॉक हमारा जो है लड़का है और वो मेल बर्ड है। एंड फीमेल बर्ड क्या होती है इसकी, वो होती है पी है। एट्थ लाइन लिखेंगे, पिकॉक लिव्स इन द फॉरेस्ट। पिकॉक कहाँ रहता है बच्चों, फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट की स्पेलिंग याद करेंगे, FOREST, फॉरेस्ट। पिकॉक लिव्स इन द फॉरेस्ट, पिकॉक जंगल में रहता है। नाइन्थ लाइन लिखेंगे बच्चों, नाइन्थ लाइन होगी इसकी, इट हैज ब्लू एंड ग्रीन फेदर्स। इसके जो पंख होते हैं ये ब्लू होते हैं एंड ग्रीन होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं इसके पंख बच्चों। और जब जो हमारा मोर होता है वो नाचता है, पिकॉक हमारा डांस करता है, तो इसके जो पिकॉक के फेदर होते हैं फैल जाते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। नाइन्थ लाइन में आपको फेदर की स्पेलिंग ध्यान से याद करनी है, FEATHERS, इट हैज अ ब्लू एंड ग्रीन फेदर्स। टेंथ एंड लास्ट लाइन होगी ऐसे की बच्चों, पिकॉक इज आर नेशनल बर्ड। पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। नेशनल की स्पेलिंग याद करेंगे, NATIONAL, पिकॉक इज आर नेशनल बर्ड। सो आप लोग बच्चों इस तरह से ये 10 लाइंस पिकॉक पर लिखेंगे और इस तरह से अपना एसे कंप्लीट करेंगे। सो बाय बच्चों, अब हम मिलेंगे इसी तरह के एसे के संग एंड बहुत लेटर्स के संग, बहुत नई नई एक्टिविटीज के संग। सो बाय एवरीवन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं बच्चों,
तो अपने पेरेंट्स या किसी बड़े की हेल्प से आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। बाय एवरीवन।